बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक पवन कुमार को अस्पताल से ड्यूटी कर अपनी कार से सहरसा जाने के दौरान बदमाशों ने हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। वहीं 1,80,000 रुपए सहित सोने की चैन फिरौती में लेने के बाद छोड़ दिया। इसको लेकर चिकित्सक द्वारा घटना के अगले दिन सदर थाना मधेपुरा में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सदर थाना में दिए आवेदन में उन्होंने बताया है कि वो शनिवार को सदर अस्पताल से ओपीडी ड्यूटी कर कार से अपने घर सहरसा वापस जा रहे थे। इसी दौरान मठाही रेलवे ढाला के आगे बाइक सवार दो बदमाशों ने कार के आगे बाइक खड़ी कर उनके कार को रोक दिया और बोला कि आप एक महिला को ठोकर मार के भागे हैं, आप कार का गेट खोलिए। जिसके बाद जैसे उन्होंने गेट खोला कि बदमाशों ने कार की चाबी छीन ली। इसके बाद और भी बदमाश वहां पहुंच गए। सभी बदमाश उन्हें जबरदस्ती कार में बिठा मठाही की ओर लेकर जाने लगे। रास्ते में ही उन्होंने हथियार सटाकर कहा कि 5 लाख रुपए में तुम्हारे हत्या का सौदा हुआ है, तुम फोन पे से 5 लाख दे दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद उन लोगों ने फोन पे का पासवर्ड लेकर उनके HDFC के खाते से 1 लाख और उनकी पत्नी के खाते से 70,700 रुपया अपने खाता पर ट्रांसफर कर लिया। बदमाशों ने उनके पॉकेट से नगद 10,000 और गले से सोने का चेन छीन लिया। उसके बाद बदमाशों ने और भी रुपए घर से मंगवाने को कहा। काफी विनती करने के बाद देर शाम बदमाशों ने उन्हें बाकी रुपए दे देने की बात कह छोड़ दिया। साथ ही इस घटना के बारे में किसी को नहीं बतलाने की धमकी भी दी। बदमाशों के जाने के बाद उन्होंने परिजनों को वहां बुलाया और डरे सहमे घर सहरसा चले गए। अगले दिन घटना की पूरी जानकारी सदर थाने की पुलिस को दी। वहीं पूरे मामले को लेकर ASP प्रवेंद्र भारती ने बताया कि चिकित्सक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में कुछ तथ्य सामने आए हैं, जल्द ही कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। शनिवार को मेरी ड्यूटी थी ओपीडी में, तो हम ओपीडी आए, ओपीडी अपना ड्यूटी कर लिए। ड्यूटी करने के बाद 2 बजे के लगभग हम ड्यूटी से अपना निकल करके और हम अपना घर के लिए प्रस्थान किए। तो लगभग हम 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास हम मठाही से जैसे निकले, अपनी गाड़ी में थे हम, तो मठाही से हम जा रहे थे। मठाही से रेलवे क्रॉसिंग ढाला पार किए, उसके बाद जो वो टूटा फूटा रोड है उसी में हम आराम से धीरे धीरे अपना जा रहे थे। तो पीछे से जो है ना, कुछ दूर लगभग 100 मीटर दूर गए होंगे वही ढाला से, तो पीछे से एक बाइक सवार आए और हमसे गाड़ी रोकने के लिए आगे ओवरटेक करके बोले रुकिए। तो हम रुक गए, तो बोले शीशा उतारिए, हम शीशा उतार दिए। तो फिर बोले कि जो आप जो है ना घटना करके आए, एक महिला को ठोकर मार के आए हैं, आप चलिए बहुत सीरियस है, उसको इलाज करवाइए। हम बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है, हम तो आराम से जा रहे हैं, हमारा तो कुछ किसी से धक्का नहीं लगा है, देख ही रहे हैं हम कितना धीरे धीरे जा रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहा है, हो सकता है अभी एक गाड़ी भी गई है बगल से, आप उनसे मिलिए, हो सकता है वो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप एक काम करो, चलो चलो उसको पहले देखो। महिला कह देगी कि नहीं तुम नहीं है, तुम चला जाना। तो तब तक फिर एक दूसरा लड़का भी आ गया, हम शीशा उतारे, जिस शीशा होता है तो मेरा चाबी ले लिए, चाबी खींच लिए, फिर चाबी खींच करके और हमको बोले नहीं चलो उतरो। तो फिर हम बोले कि चलिए अच्छा ठीक है चलना था। बोला क्या करते हो, तो हम बोले हम सदर अस्पताल मधेपुरा में डॉक्टर साहब है, अभी हम ड्यूटी करके आ रहे हैं। तो बोले कि आप डॉक्टर साहब आइए, चलिए उसका इलाज कर दीजिए। तो हम बोले चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। वो उसके बाद कहते हैं कि जो हम गाड़ी चला, बोले नहीं आप पीछे बैठो तो गाड़ी लेके भाग जाएगा। हम बोले कि ठीक है बैठिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, हम गलत लड़का नहीं है, हम एक डॉक्टर है। फिर भी वो नहीं माने, बोले कि नहीं तुम गाड़ी लेके भाग जाएगा, पीछे बैठो गाड़ी हम चलाए। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और बगल वाले में एक लड़का और बैठ गया। तब तक फिर एक गाड़ी वाला बाइक से आ गया, दो लड़का जैसे ही हमको पीछे धकेला बैठे हम उस पर, फिर दोनों साइड से दो लड़का के बैठ गया। तो फिर भी हम उसको बोला नहीं देखिए हम किसी से कहाँ पर घटना हुआ सब चीज़ बोले। जब वो गाड़ी जो है मठाही पार करने के बाद थोड़ा मठाही टाउन को पूरब गए, तो जब रोड उत्तर की ओर गाड़ी घूम गई, फिर हमको शक हुआ। फिर हम बोलने लगे, वो गिरने कहने लगे भाई साहब गलत जगह रास्ता पर ले जा रहे हैं हमको, हम ऐसा नहीं है, बहुत गिर गिरा है बहुत कुछ बोले। फिर भी वो मेरा बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, बोले नहीं नहीं वो उसका घर नहीं ले गया, वो घर ले गया है, इधर उसका घर है। फिर भी हम बहुत कोशिश किए, लगभग 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होगा, हमको उसमें पता नहीं चल रहा था, हम बहुत घबराए हुए थे।
फिर हमको ले गया वहाँ पे। वहाँ जा कर के हमको कुछ कुछ मतलब धमकी तो दे ही रहे थे। फिर बोले कि जो तो हम बोले कि जो बोले कि 5 लाख रुपया दो घर वाला से बुलाओ, तो फिर हम जो है ना क्योंकि हमको तुमको ये करने के लिए 5 लाख दिया गया है तो तुम 5 लाख दे दो, हम तुमको छोड़ देंगे। तो हत्या करने बोले हत्या करने के लिए तुमको 5 लाख मिला है हमको। तो फिर हम बोले कि आप देखिए हम बहुत आप गलत हो सकता है कि आप गलत आदमी है, हम वो नहीं है, हमारा किसी से ना दुश्मनी है ना कुछ नहीं है, और हम इतना ऐसा है कि हम ड्यूटी डेली जाते हैं, ड्यूटी आप इसी रास्ते से जाते भी हैं, हम ऐसे बोले भी उसको बहुत बोले। लेकिन वो लोग तब तो उसके बाद जो बोले UPI मोबाइल ले लिया था, फिर वो मोबाइल में कितना पैसा है हमसे UPI खुलवाया। UPI खुलने के बाद पासवर्ड डाल करके देखा, एक में मेरा 1,72,000 के आसपास था और एक में मेरा 1,68,000 एक में था, एक में 1,72,000 था। तो वो क्या किया, 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किए उससे, और फिर एक में से 72,000 रुपया मैं ट्रांसफ़र किए। फिर मेरा गला में चेन था तो वो ले लिए। फिर हम बहुत बोले कि हमने कुछ, फिर बोले ठीक है तुमको छोड़ रहे हैं लेकिन किसी को बोलेगा तो फिर, तो हम तो किसी के पास बोले नहीं, हम अपना घर आ गए। हम बहुत घबराए हुए थे। फिर मेरा तो ड्यूटी करना है मधेपुरा में, फिर हम मधेपुरा आए। मधेपुरा में सब कलीग लोग बोले कि नहीं, कलीग लोग जब बोला बहुत तो तब जा करके मेरा जो स्वाभाविक होता क्योंकि हमको ड्यूटी करना है, मेरा मोबाइल भी गया हुआ है, सिम भी गया हुआ है, तो वो तो मोबाइल सिम सब बिना आवेदन का निकलता भी नहीं है, और हमको एक स्वाभाविक है कि हमको ड्यूटी भी करना है, सुरक्षा का दृष्टि से भी हमको देखना है। तो ये सोच करके फिर हमारा कलीग लोग ही बोले कि नहीं अब चलिए मर, तो मेरे कलीग लोग जितने भी है डॉक्टर है DS साहब है सब मेरे साथ गए, और वही लोग साथ में चल करके हमको थाना में FIR करवाए। हम लोग भी उसके बाद थाना में कब सूचना दिए, थाना में हम रविवार को लगभग 2-3 बजे के आसपास दिए थे। एक चिकित्सक हैं पवन कुमार नाम के, और इनकी प्रतिनिधि पदस्थापना जो कही है सदर अस्पताल मधेपुरा में है, और ये हर्ट रोग विशेषज्ञ हैं। परसों ये घर जा रहे थे यहाँ ड्यूटी ऑफ करके, तो सहरसा मठाई के आगे सवेला के पास गए तो गाड़ी वाला ओवरटेक करके रोका मोटरसाइकिल वाला, और बोला कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है इसलिए इसकी इलाज करिए। उसी क्रम में गाड़ी रोक करके गाड़ी में इनको पीछे बैठाया और उसको आगे गाड़ी ड्राइव करके लेके चल दिया। तो कच्ची सड़क पर लेकर के गया, उसके बाद इनको धमकाया कि आपको हमको मारने के लिए हमको कुछ पैसा दिया गया है, आप हमको पैसा दे दिए तो नहीं मारेंगे। उसी में इनके अकाउंट में बोला कितना पैसा है ये बता दिए, उनके ही और उसका पासवर्ड ही बता दिए। इनके अकाउंट से दो अकाउंट से 1,70,000 रुपया वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया। उसके बाद बोला कि पुलिस को मत बताना, और ये 1.5 घंटा का इनको छोड़ दिया, चले गए घर। एक दिन के बाद दूसरे दिन कल आकर के जब उन्होंने थाना में FIR किया, इसका कांड अंकित कर पुलिस अनुसंधान कर रही है। और जहाँ अकाउंट ट्रांसफ़र की बात है उसमें आदमी हम लोग उसका CDR निकाले हैं, अनुसंधान चल रहा है, कुछ तथ्य सामने आया है, जल्दी ही कांड का खुलासा हो जाएगा।